रीसेट किस केस में करना है? अगर आपके वॉच में कोई इशू आ गया या मतलब फ्रीज हो गया या कुछ भी मतलब हो गया तो आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया है, अब यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन के बिना आपका यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा और मेरे ख्याल से फ्री साइनअप का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको साइनअप करना ही पड़ेगा, देन ओनली वर्क करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वैसे वॉच तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे पेयर करने के लिए आपको डेफिनेटली जो उसका सहारा है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको वो कर लेते हैं। आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हो या मतलब एक आईडी भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, तो हम करेंगे गूगल के थ्रू। और यहाँ पे प्लीज़ एग्री द टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको एग्री कर देनी है यहाँ पे, ये दोनों वाली। तो यहाँ पे गूगल से हम इसको वो करेंगे और डिफरेंट आईडी मेरी अवेलेबल है गूगल पे, तो वो वाली हम कोई सी भी आईडी उठा लेंगे और इसको हम पेयर कर लेंगे। ठीक है गाइस, क्या आपको पता है सबसे अच्छी वॉच भी है यहाँ पे मार्केट में, आपको पता चली गया होगा, फिट शॉट क्रिस्टल। यस गाइस, इसको मैंने 2470 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में बाय किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे बाय कर लिया। गाइस मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वैसे मैं इस वीडियो में बताता हूँ आप सभी को, 5000 रुपीज़ के वर्थ का आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर लो, मतलब ये वॉच प्लस साथ में और भी, जिसकी 2799 की है ये वॉच, बट अभी तो मिल नहीं रही है तो उसके बारे में बात ही करना बेकार है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है वॉच, आप चेक करते रहना। वैसे मैंने एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप इसको नोटिफाई मी पे कर सकते हो, आपको जब भी आए सेल पे आप जाके ले सकते हो। एप्पल का लुक तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एप्पल का लुक चाहिए तो विजनरी के लिए जाना पड़ेगा, फायरबोल्ट की विजनरी जो है वो ज्यादा बेटर है इससे और एप्पल के लुक के साथ आती है। बट अगर आपको एक सिंगल ब्लूटूथ चिप वाले ऑप्शन वाले वॉच चाहिए, और इसमें मैंने रियलमी का स्ट्रैप लगा रखा है, कमाल का लग रहा है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे रियलमी वॉच 3 का स्ट्रैप लगा हुआ है और ये वॉच कमाल की लग रही है। वैसे इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में सारे के सारे इश्यूज देने वाला हूँ, सारे के सारे इश्यूज आपके इस वॉच से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं, राइट। अलार्म भी लगा के देखेंगे हम यहाँ पे, रिंगटोन बजती कि नहीं बजती, और कॉल क्वालिटी चेक करेंगे यहाँ पे, सब कुछ चेक करेंगे, राइट। और अपडेट के बाद क्या क्या ऐड हुआ है वो भी चेक कर लेंगे, वो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, राइट। तो गैस ये आपको करीब 2470 में पड़ सकती है, बट अभी पड़ेगी, अभी बिग बिलियन डे सेल पे लोगे उसके बाद तो नहीं पड़ेगी, उसके प्राइस का प्राइस जो प्राइस है वो जो बढ़ जाएगा। और कल भी मैंने एक डील शेयर की थी, जहाँ पे बहुत ही तगड़ी तगड़ी डील मिलती है ना आपको, वो है चैनल हमारा टेकपोक टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। इसकी भी डील मैंने टेलीग्राम पे सबसे पहले शेयर की थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें जो क्राउन वर्किंग है ये मिल जाता है, और यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इस तरीके से, राइट। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, अपने पिक को भी ऐसा वॉच फेस लगाते हो तो कमाल की लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये है ना मतलब एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसकी वजह से, और पीक ब्राइटनेस भी आपकी कमाल की मिल जाती है, ये रही इतनी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस बेटर मिलती है, राइट। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी शो करता है, और यहाँ पे फ्लैश लाइट भी मिलती है, D&D मोड है, और यहाँ पे आपको ये AOD का ऑप्शन मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑन कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मेरी 1.5 दिन तक ही चलती है, आप मेरे को जरूर बताना किस किस पर्सन की 1.5 दिन से ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रही है। लॉक का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इसका डेडिकेटेड एकदम विस्तार से रिव्यू बना रखा है, वो आप देख सकते हो वैसे, बट अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पेयर करके दिखाऊंगा, कैसे आपको फर्स्ट टाइम ये वॉच मिलती है, आपको सेटअप कैसे करना है वो आप चेक कर सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंपल सा काम करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये वाली मैंने डाउनलोड कर लिया बेसिकली, ये रही हाओ फिट एक एप्लीकेशन का नाम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप सभी को, ये रही एप्लीकेशन। और उसके बाद परमिशंस आपसे कुछ पूछेगा, आपको वो अलाउ कर देनी है, एग्री कर देना है। मैं एक बार इसको रीसेट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली यहाँ पे बता सकूँ कैसे आप इसको प्रॉपरली वो कर सकते हो, टर्न ऑफ नहीं रीसेट ही करना है इसको। तो यहाँ पे पेयर हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, गूगल की मैंने आईडी जैसे सेलेक्ट की, यहाँ पे बाइंडिंग फंक्शन एक्सेस, यहाँ पे लोकेशन प्लस आपको ब्लूटूथ ऑन कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कनेक्शन फेल आ गया, रिट्राई करते हैं इसको, और यहाँ पे हम डिवाइस पे चलते हैं, डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, क्लिक टू ऐड करना है आपको, यहाँ पे स्कैन QR कोड करते हैं एक बार। तो QR कोड आपको कहाँ मिलेगा, QR कोड इस वॉच में मिलेगा, यहाँ पे जाओगे लास्ट में, और यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन ये रहा, इसको आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे पेयर हो जानी चाहिए वैसे, कंटिन्यू, पेयरिंग रिक्वेस्ट पेयर कर देनी है, और ये पेयर हो चुकी है आपकी वॉच आपके फ़ोन के साथ। हेलो एक्सेस कॉन्टैक्ट CS करना है। अपडेट के बाद इसमें क्या हुआ है कि 80 प्लस कॉन्टैक्ट ऐड हो चुके हैं, तो 80 प्लस कॉन्टैक्ट को आप इसमें वॉच में सेव कर सकते हो, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है, मैंने मैक्सिमम वॉचेस में देखा है इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलते, सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको है देख सकते हो, यहाँ पे व्हाई डज हाउ फिट नीड टू रन इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में रन करने की आपको परमिशन दे देनी है, और ऑटो स्टार्ट की परमिशन देनी है, और एक्सेप्शन में इसको अलाउ कर देना है, और
बैकग्राउंड यहाँ पे ये सब चीज़ें। परमिशन सेटिंग में आपको जाना है सबसे पहले, देख सकते हो जो चीज़ें पूछेगा आपको अलाउ कर देनी, दैट्स इट। टर्न ऑन करना है नोटिफिकेशन एक्सेस और यहाँ पे अलाउ, यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन एक्सेस वाला है ना जो, यहाँ पे आपको हाफ इट को अलाउ कर देना है, ये रहा अलाउ, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपकी वॉच वर्क करेगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये तो हो गया अलाउ, और यहाँ पे कहाँ गई एप्लीकेशन, ये रही हमारी अलाउ हो चुका है। अब गाइस टू इंश्योर दैट द वॉच कैन रिसीव नोटिफिकेशन, ये आपको अलाउ करना है, यहाँ पे अलाउ, फिर अलाउ 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 करते रहना है। तो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे हैं अवेलेबल, उसके बावजूद भी अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइस परमिशन अलाउ करने के बाद ये आपकी कनेक्ट हो जाएगी, देख सकते हो बैटरी परसेंटेज और कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी मतलब कहने को तो आप यहाँ पे पूरा दिन इसमें वो कर सकते हो, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो। वैसे फिलहाल हम यहाँ पे वॉच फेस पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस ऐड भी हुए हैं इसमें, जब मतलब ओटी अपडेट आया था उसके बाद से, और कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिटशॉट की जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और यहाँ पे लाइव वॉच फेस का ऑप्शन एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था, बट अभी फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ज़रूर मेरे को बताना और मैं कवर कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉचेस मिल जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे टन्स ऑफ वॉच फेस हैं अवेलेबल इसमें, और मतलब भर भर के वॉच फेस दिए गए हैं, मतलब 200 तक होंगे इसमें आराम से, राइट। थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कलरफुल वॉच फेस लगा के देखते हैं, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे स्टेप्स सब कुछ है अवेलेबल, और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, मतलब आपको स्टेप्स काउंटिंग या जो भी है, मतलब वॉच फेस पूरा एडिटर का ऑप्शन मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ये, मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि कितने वॉच फेस में आप लगा सकते हो। तो गैस यहाँ पे एक ही वॉच फेस लगा सकते हो, बहुत ही कमाल का लग रहा है गैस यहाँ पे। कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो जिस वजह से कलर एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, उसी वजह से यहाँ पे बेटर फील हो रहा है इन द वॉच इटसेल्फ यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हो, राइट। और अदर वॉच फेस तो आपको ये आपका जो लोकल है, लोकल पे आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप मतलब पूरा प्रॉपरली एडिट कर सकते हो। देखो कस्टमाइज़ पे जाओगे आप, कस्टमाइज़ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक को ऐड करना है सबसे पहले, यहाँ पे जाना है ऊपर, और यहाँ पे वॉलपेपर मतलब जो भी आपके फ़ोन में है वो आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ पे अलाउ करना है, और यहाँ पे फ़ोन का फोल्डर खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना कोई सा भी अपना पिक, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाना है। तो यहाँ पे ये वाली सपोज है, तो यहाँ पे थोड़ा से वर्टिकल में आ रही है, हॉरिजॉन्टल में ये रहा, रोटेट करके ये रहा ऊपर से रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली लगानी सपोज़, इसको आपको टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये उठाना है, टाइम आपको कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे चूज़ करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। हार्ट रेट आपको लगानी है, तो हार्ट रेट किस तरीके से कैसे यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर कस्टमाइज़ कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो वॉच फेस को। तो ये मेरे को कमाल का फीचर लगा इसका वॉच का, और ये मैक्सिमम वॉचेस में प्रोवाइड नहीं होता है, जो कि आपको फिटशॉट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लग चुकी है, और अच्छी खासी यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी लग रही है, और वॉच फेस भी यहाँ पे इस तरीके से लग चुका है, राइट। और यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि माई वॉच फेस इज चेंजिंग ऑटोमेटिकली एंड टाइम ऑल्सो शोइंग रॉन्ग वैन नॉट कनेक्टेड टू द फोन ब्लूटूथ। तो ऐसा तो ऐसा सच मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं भी रहती तो प्रॉपरली वर्क करती है यहाँ पे, और इनके में ये इशू आ रहा है। आप एक बार रीसेट कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब गाइज़ यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट रख एक ही सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वाला वॉच फेस था अभी फिलहाल वो हट गया होगा मेरे ख्याल से, देख सकते हो यहाँ पे वो जो हमने लगाया था ना वो वाला हटा दिया यहाँ पे इससे। तो एक ही वॉच फेस को रख सकते हो, और फिलहाल तो आपको 5 और एक 6 ही वॉच फेस मिलते हैं यहाँ पे, राइट। और अदर फीचर्स की बात हम करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन टर्न ऑन तो है ही सारे के सारे, यहाँ पे देख सकते हो, और रिमाइंडर्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे रहेगा आपका, और ये अलर्ट कर देगा। अलार्म एक बार चेक करते हैं, लगा के 152 हो रहा है, तो 153 का लगा के देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बजेगा कि नहीं बजेगा। तो हमने लगा दिया है, तो गाइस यहाँ पे रिंगटोन बज रही है और वाइब्रेट भी कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वाइब्रेट प्लस रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, प्रॉपरली आपको वर्क कर रहा है, रिंगटोन बज रही है, राइट। और बैक करते हैं यहाँ पे, उसी के साथ साथ आपका ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और वॉश हैंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, सैनिटरी अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे टेलीफोन मतलब कॉल वॉल आएगी आपको, तो यहाँ पे टर्न्ड ऑन यहाँ पे है ऑलरेडी ऑन,
तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ऑन है कि नहीं, यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड है, देख सकते हो। सिंगल ब्लूटूथ का ऑप्शन फ़ायदा ये है कि मतलब प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करती है, डिस्कनेक्ट नहीं होती है वॉच। लाउडनेस उतनी नहीं है बट ठीक है, मतलब लाउडनेस का आपको कम मिलती है इसमें, राइट। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये मेरे को फ्लो लगा, ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन देना चाहिए था, राइट। अब एक काम करते हैं, कॉल जब आएगी तो देखते हैं यहाँ पे क्या फंक्शंस मिलते हैं आपको। तो गैस यहाँ पे नाम भी आ रहा है और फ़ोन नंबर भी दिखा रहा है, रिंगटोन बज रही है इसमें और साथ में रिंगटोन गैस यहाँ पे वॉच की बज रही है, फ़ोन वाली नहीं बज रही है, वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन आता है और यहाँ पे उठाने का ऑप्शन आता है, कट करने का ऑप्शन आता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे कट करके देखते हैं, मतलब म्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे म्यूट हो जा रही है, यहाँ पे इस तरीके से म्यूट नहीं हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एक बार और चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉल मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूट नहीं हो रही है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे वॉच की रिंगटोन म्यूट हो जा रही है बट फोन का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कट कर सकता हूँ मैं, राइट। डायरेक्टली यहाँ पे कट हो जाती है कॉल। अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो रिंगटोन है उसको चेंज करते हैं एक बार, जो यहाँ पे आपकी है ऊपर की साइड से, यहाँ पे सेटिंग पे चल के यहाँ पे जो साउंड एंड वाइब्रेशन है ना, यहाँ पे जो लोकल है, यहाँ पे आपको फ़ोन पे कर देते हैं, तो फ़ोन वाली रिंगटोन आपकी इसमें वॉच में बजेगी। और यहाँ पे रिंग, मीडिया साउंड, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मीडिया साउंड को ऑफ़ कर दो तो यहाँ पे आपके वॉच में इटसेल्फ नहीं सुनाई देगा जो फ़ोन की रिंगटोन है सारी की सारी, ठीक है। बट कॉल लगेगी, कॉल में लगा के दिखा दो आपको एक बार और, यहाँ पे देखो कॉल लग रही है बट मीडिया साउंड नहीं होगी इसमें। अब मतलब अगर आप सॉन्ग वॉन्ग प्ले करते हो थ्रू द यूट्यूब या मतलब कहीं भी, तो मीडिया साउंड आपकी परेशान नहीं करेंगी, बार बार आपके वॉच में नहीं आएगी। तो गैस फ़ोन में बज रही है और इस वॉच में नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे मीडिया साउंड को ऑफ़ कर दिया है। तो ये फीचर इसमें अच्छा है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो साउंड एंड वाइब्रेशन भी जाते हो यहाँ पे, यहाँ पे जाके इसको ऑन कर देते हो तो वॉच में आएगा, ठीक है। वॉच में आ रहा है, लाउडनेस आई गेस यहाँ पे फुल ही है तो वॉच में आ रही है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मीडिया साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये आपके आईफोन के साथ भी अप्लीकेबल है। आईफोन में सारी की सारी अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो या मतलब इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो वॉच में आ रहा है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन तो है ही आपका कंट्रोल करने का, राइट। ये डिफ़ॉल्ट रिंगटोन मिल जाती है। अब गाइस और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, यहाँ पे बैक करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड लॉक, सपोज़ आप यहाँ पे लॉक नहीं लगा पा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है नो पासवर्ड सेट। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे पासवर्ड को सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगेगा। यहाँ पे पासवर्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप टैप करते हो, यहाँ पे सेट पासवर्ड करना है, उसके बाद आपका वॉच में लग पाएगा, ध्यान रखना है आपको, राइट। और बैक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्ट टू वेक के साथ आपका वाला भी फीचर काम करता है। यहाँ पे अभी सपोज़ जैसे कि ऑन नहीं है रेस्ट टू वेक, यहाँ पे आपको ऑन करना है रेस्ट टू वेक, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, रेस्ट टू वेक यहाँ पे ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर देना है, देन आपका ये काम करेगा। वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेस्ट टू वेक मेरा काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बैक करते हैं यहाँ पे, फिर से बैक करते हैं। स्ट्रेस मॉनिटर, हार्ट रेट, SPO2 ये आप ऑन कर सकते हो, 24/7 ऑन करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा बैटरी खाएगी, ध्यान रखना है आपको। लिफ्ट रिस्ट वेकन ये आपको ऑन रखना है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, कौन सा आपको रखने को कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, अब गाइज़ यहाँ पे रेस्ट टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों ही काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से वर्क करता है। और गाइज़ क्या चीज़ चेक करनी है आपको, यहाँ पे लास्टली रह जाता है अपडेट, अपडेट का तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, बट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका लाइव वॉच फेस का ऑप्शन आ जाता है इसमें, तो लोकल यहाँ पे कलेक्शंस कलेक्ट्स पे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है फिलहाल तो। और यहाँ पे लाइव वॉच फेस तो मिलता है आपको बेसिकली, यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे ये वाला जो वॉच फेस है लाइव है, देख सकते हो। बट यहाँ पे अदर जो वॉच फेस आते हैं आपको वो लाइव वॉच फेस नहीं मिलते बेसिकली, नॉर्मली मिलते हैं यहाँ पे। बट कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे भी आपका आता है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, बीच रो में कह रहे थे कि लाइव वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, तो
देखते हैं ये वाला लगा के एक बार। कोई भी इशू आ रहा है तो आपको रीसेट कर लेनी है एक बार, वॉच सही हो जाएगी वॉच। तो गाइस ये लग चुका है और देखते हैं यहाँ पे क्या ये लाइव वॉच फेस है। नो गाइस में लाइव वॉच फेस तो कुछ है नहीं ऐसा सच। थर्ड रो में ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस नहीं, इसमें लाइव वॉच फेस नहीं मिलता। अब गाइस एक काम करते हैं, हमने सारी चीज़ चेक कर ली इसकी, अब हम एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं इसकी और उसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हीरा, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? इट्स 32 विद हेज टुडे। तो फोन में बज रहा है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आई गेस हमने साउंड एंड वाइब्रेशन में ये मीडिया साउंड ऑफ कर रखा है ना, इसको ऑन करोगे देन ओनली आपका वॉच में काम करेगा, ध्यान रखना है आपको। अब हम चेक करते हैं, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? आप वॉच में आ रहा है देख सकते हो आप इस तरीके से, राइट। अब एक काम करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं वॉच की, ठीक है। हम यहाँ पे 50 स्टेप्स को चलेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी मिलती है आपको इस वॉच में। ये रहा, और यहाँ पे हम वॉकिंग करते हैं 50 स्टेप्स की। स्पोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे, आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर वॉकिंग वाले ही कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने स्टेप्स चले 52 और यहाँ पे 64 दिखा रहा है। इस तरीके से एक्यूरेसी मिल जाती है आपको इस वॉच की इटसेल्फ, और ये फाइनली आपको मिल जाती है। तो गाइज ये थे सारे के सारे इश्यूज़ मैंने आपके लिए, कनेक्ट कैसे करना है स्टार्टिंग से टू एंड तक। और इसके अलावा आपका कोई क्वेरी या सजेशन रहता है तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, इसकी बेस्ट बेलिंग अपडेट करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये आपको ये वॉच नहीं मिल पाती है तो कोशिश करना, अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी रहेगी। 3000 से ऊपर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। और यहाँ पे स्लिम मिलती है, नॉर्मल टू मीडियम टू थिन रिस्ट के लिए भी चल जाएगी वॉच, और ऑलवेज ऑन के साथ आपका ये वाला फीचर जो है वो कमाल का है, रेस्ट टू वेक भी काम करता है इसमें। और गाइज मेरे को इसमें पर्टिकुलरली 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल रहा है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके, बट अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर देते तो यहाँ पे 3 डेज तक का बैटरी लाइफ मिल रहा है इसमें देखने के लिए। फिटनेस मोड्स पे 5 डेज तक चल जाएगी मेरे ख्याल से। तो गाइज को आप चूज ऑन कर सकते हो, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।